after 80 yards. Turn right. See road. ये भी मस्जिद आपको दिखा देते हैं। छोटी सी मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सी छोटी सी, छोटा सा रूम है अफ्तार के लिए। बांग्लादेश कल्चरल सोसाइटी, बेतुल हुदा जामे मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज बहुत खूबसूरत दिन है, धूप निकली हुई है, बहुत कम ऐसा मौसम देखने को मिलता है यहाँ यूके में। और आज का सफ़र है क्लीथ्रोप जिस तरह का नाम है, और वहाँ पे डिलीवरी करनी है, सामान ले जाना है अपना जो बनाया है कुकर वगैरह। तो सोचे चलो आज एक वीलॉग कर देंगे, सफ़र लंबा है, आपके साथ गपशप भी हो जाए। सफ़र है हमारा तकरीबन 2 घंटे का और बिल्कुल समंदर के किनारे पे हमने पहुँचना है। रोड पे हो गए और अभी हम मोटरवे M62 पे जा रहे हैं और आगे से शायद M1 को ज्वाइन करें या A1 को, अभी ये देखना पड़ेगा। मौसम आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत साफ सुथरा मौसम, ट्रैफिक जाम है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, संडे है, लेकिन मेरा जितना ख्याल है एक तो यहाँ रोड पे काम भी हो रहे और दूसरा ये कि लोग बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने, छुट्टी का दिन है और लोग मेरे ख्याल के मुताबिक ज़्यादातर सी साइड पे जा रहे हैं और कुछ बड़े पार्कों की जानिब जा रहे हैं। आज हमारे दोस्तों की भी पूरी पार्टी एक बड़ा ग्रुप गया हुआ है बोल्टन, अभी एक खूबसूरत जगह है, पानी है, झील है, लोग नहा भी लेते हैं, परिंदे होते हैं, बहुत खूबसूरत मंजर होता है चारों तरफ और काफ़ी ऊंची ऊंची ग्रीन पहाड़ियां हैं, सरसब्ज पहाड़ियां जो यहाँ इंग्लैंड की पहचान है, कंट्री साइड जो शहर से बाहर की खूबसूरती है वही इस मुल्क की पहचान है। तो आप देख सकते हैं मौसम बहुत खूबसूरत है और लोग इंजॉय कर रहे हैं सिवाय हमारे, मैं और राशिद साहब। हम अभी काम पे हैं, ड्यूटी पे हैं और जा रहे हैं काफ़ी लंबे सफ़र में। जो ट्रैफिक जाम था हम वहाँ से निकल गए और बीच में जंक्शन भी गुजर गया जो कि M1 का जंक्शन है और शेफील्ड, नॉटिंघम, बर्मिंघम, लंदन की तरफ जाता है। तो हमने वो क्रॉस कर दिया और सीधा पुल की जानिब जा रहे हैं। तो अभी आगे जाके शायद हमने लेफ्ट पे जाने, लेफ्ट मुड़ना है।
सारे दरख्त लगे हुए हैं। अभी यहाँ से 1 मील के फासले पे मोटरवे खत्म हो जाएगा और फिर नॉर्मल ड्यूल कैरिज वे शुरू हो जाएगा। वैसे भी चैनल में देखते ही रहते हैं कभी कहाँ का सफ़र है और कभी कहाँ का, लेकिन चूंकि ये टाउन मेरे लिए भी नया था तो सोचा चलो इसको वीलॉग में शामिल कर लेंगे आज के वीलॉग में। तो अभी हम उस टाउन में दाखिल हो चुके हैं और अपनी जो डेस्टिनेशन है रेस्टोरेंट जो हमने कुकर डिलीवर करना है तो तकरीबन 9 मिनट का रास्ता बाकी रहेगा। स्पेशली ये टाउन रिकॉर्ड कर दूं ताकि हमारी
जाए, और जो भी आने वाला हो, कोई विजिट करने वाला हो, हमारा भाई दोस्त, तो वो आ सकता है, तो फिर वो ये लोकल टाउन देख सकता है। ये आ गया क्लीतर, हम एंटर हो चुके हैं। ये है जी यहाँ इंग्लैंड का एक छोटा सा टाउन, कस्बा या छोटा सा शहर कह सकते हैं। ये सब मार्केट एरिया है और हम इस वक्त तकरीबन 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। Where is your phone, Rashid? तो दोस्तों हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए, चाय पी रहे और इंतज़ार कर रहे हैं जगह खाली हो जाए तो फिर हम अपना काम शुरू कर लेंगे। और ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये मस्जिद है और इस एरिया में बहुत सारे मुसलमान भाई पाकिस्तानी इंडियन और बांग्लादेश से आबाद हैं, तो छोटी छोटी कम्युनिटी हैं, अपनी अपनी मस्जिद बनाए हुए हैं, तो ये भी एक मस्जिद है। बहुत शुक्रिया भाई लोगों ने हमारे लिए, हमारे कहने पे बहुत ज़बरदस्त चाय बनाई हमारे लिए, फरमाइशी चाय। तो दोस्तों काम तकरीबन ख़त्म होने वाला है और बस थोड़ी देर में भी यहाँ से चलते हैं। मस्जिद आपको दिखा देते हैं, छोटी सी मस्जिद, ये है वजू के लिए बाथरूम वगैरह, ये छोटी सी मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सी छोटी सी, देखें आप भी। छोटा सा रूम है अफ्तार के लिए, बांग्लादेश कल्चरल सोसाइटी बेतुल हुदा जामे मस्जिद क्लीतर्प। चलिए अभी चलते हैं बाहर, मस्जिद आपको दिखा दी। ये हमने एक शेल्फ लगा दिया यहाँ पर और ये हमने जो कुकर यहाँ पे डिलीवर किया ये लगा दिया हमने। चलिए अभी टूल्स वगैरह रखते हैं और चलते हैं। ओके भाइयों, तो ये व्लॉग यहाँ पर अख्तिताम कर देते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
सी साइड यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, करीब ही है, चंद कदम है, लेकिन चूंकि हमने जाना नहीं है उस तरफ तो हम यहाँ से अभी वापसी चलते हैं और ना आते हुए उसको रिकॉर्ड कर सके। तो चलिए मैं भी गाड़ी चलाऊंगा और रिकॉर्डिंग मजीद नहीं हो सकती, हमारी बैटरी भी फुल हो गई है, ख़त्म हो गई है। चलो जी आपको सी साइड दिखाई देते हैं। Break the waves. यहाँ से फुल यू टर्न ले लेते हैं क्योंकि आगे तो रास्ता नहीं है। यहाँ से समंदर का आखिरी किनारा घूम जाते हैं। ये पत्थर इन्होंने रखे होते हैं कि जो तूफानी आती है समंदर में, बड़ी बड़ी मौजें आती हैं तो इसकी वजह से उसका जोर टूटता है, वरना तो ये स्ट्रक्चर को, इस मार्केट को और रोड को बहुत नुकसान है। खूबसूरत सी साइड। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीलॉग को मैं भी यहाँ पर एंड कर देता हूँ और वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Is that a water slide? Yes, look. बतख को हिट करें और शिकार करें। That's look nice. Fish and chip shop. Fish and chip shop बिल्कुल समंदर के ऊपर बनाया हुआ है, काफी बड़ा रेस्टोरेंट टाइप। After 80 yards, turn right.
इधर भी दुकानें हैं, दाएं साइड पे भी काफी। यहाँ से अभी हम आए थे, इधर से वापस मुड़ जाते हैं। काफी खूबसूरत